और अब बात करेंगे अन्नदाता की हुंकार, किसान ट्रैक्टर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई, दिल्ली सीपी आईबी चीफ बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को जानकारी दी। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कल किसान परेड में हिंसा देखने को मिली, इसी को लेकर एक बड़ी अहम बैठक बुलाई गई गृह मंत्री के द्वारा। सीपी ने गृह मंत्री को पूरी जानकारी दी, किसान ट्रैक्टर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक बुलाई गई और दिल्ली के सीपी आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहे। और दिल्ली के सीपी ने गृह मंत्री को संपूर्ण जानकारी दी। किसान ट्रैक्टर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई, इस बैठक में दिल्ली सीपी आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को संपूर्ण जानकारी दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर फीडबैक लेने के माध्यम से गृह मंत्री ने अपने आवास पर बैठक बुलाई। दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को संपूर्ण जानकारी दी। तो किसान ट्रैक्टर हिंसा के मामले में गृह मंत्री ने अपडेट लेते हुए तमाम चीजों का और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई। दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को तमाम जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक बुलाई गई, इस बैठक में दिल्ली सीपी आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को तमाम जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, उसके बाद गृह मंत्री ने आज सुबह अपने आवास पर बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली सीपी ने गृह मंत्री को संपूर्ण जानकारी दी। मेरे साथ मेरी सहयोगी आदिति भी जुड़ चुकी है। आदिति, देखिए, इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्री ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया कि अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था तो कल भी कड़ी की गई थी, पर आपको सबसे पहले ये अपडेट है कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। और दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर परेड के दौरान जो भी रिपोर्ट, हिंसा की रिपोर्ट है, वो कमिश्नर गृह मंत्री को देंगे। हालांकि गृह मंत्री कल से ही लगातार मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, यहाँ पे दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि जो सुप्रीम कल लाल किले पे जो झंडा फहराया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े तरीके से उसकी भिक्षा की है। उसके अलावा आपको बता दूं कि आज दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस और तमाम में क्या बातचीत होती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 1 तारीख को एक पदयात्रा निकालने की भी चर्चा की जा रही है। और उस पदयात्रा के दौरान फिर हिंसक घटना हो, तमाम चीजें हो, और पदयात्रा को कैसे रोका जाए, मैं अपडेट ये भी दूंगी कि दिल्ली में कल हुए उपद्रव को देखते हुए किसान संगठनों का फैसला है कि जो ऐलान वापस ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो 1 तारीख को पदयात्रा निकाल रहे थे, ये तमाम चीजें थी, उसको वापस लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अब उनको अलाउ नहीं करती, सरकार भी बहुत ज्यादा उन पर अब कड़े तरीके से आती। कल विश्वास करके किसानों को ये तमाम चीजें की गई थी। 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च नहीं करेंगे अब कानून, ये उनके जो संघ है उन्होंने डिसाइड किया है। और कुछ देर में अब लगातार किसान बैठक जो संगठन है उनकी बैठक की जा रही है। देखिए, अब आपको ये बता दें कि कल जिस तरीके से तमाम चीजें हुई उसमें क्या कुछ रहा। देखिए, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, उसे प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेटिंग तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुसाए थे और लाल किले के पास जो वो जो पूरा एरिया है वहां पर भी झंडा फहराया गया था ट्रैक्टर रैली के जरिए। गणतंत्र दिवस पर तमाम चीजें हुई, हमने सबने देखा, लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा। अब देखिए, ये भी बातचीत हो रही है, किसान जो मंत्री है वहां पे, कृषि मंत्री वहां पे, ये भी बातचीत हो रही है कि क्या अगर ऐसा किया जाता कि जितने भी राज्य हैं उनको ये कृषि कानून का समाधान के तौर पे कि उनको अगर राज्यों को दे दिया जाए, राज्य सरकारों को दे दिया जाए कि क्या इसका समाधान हो, तो राज्यों को सौंप दिया जाए, तो सबसे पहली बात ये होगी कि अपने अपने राज्य में जो किसान बैठे हुए हैं वो अपने घर उठ के चले जाएंगे। और उसके बाद अब सरकार तय है कि लागू किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इससे यही बात होती है कि सरकार बैकस्टेप पर आ गई है। और कल जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया है, कल जिस तरीके से किसानों ने या किसानों के भेष में जो लोग घुसे थे, जिस तरीके का चीजें हुई हैं,
वो बेहद बचता कि तमाम पूरे देश ने इस तरीके की चीजें दिल्ली जी आदित्य देखिए कल चुके देखिए 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था, एक राष्ट्रीय पर्व था, एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी और ऐसे में देश की राजधानी में इस तरह से उपद्रव मचना, इस तरह से हंगामा करना अपने आप में ये तस्वीरें जो कल देखने को मिली दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, वो जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, 2:30 बजे पीसी भी होनी है, क्या कुछ रहेगा इस पीसी में? देखिए सबसे दुख की बात यही है कि अभी तक ये जो गणतंत्र दिवस से पहले तक जब कृषि कानून के खिलाफ जो किसान बैठे हुए थे उसको पूरे देश का समर्थन मिल रहा था, सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन और इसकी वजह से ही केंद्र सरकार बैकफुट पे भी थी और कल यही वजह थी कि दिल्ली की पुलिस को साफ हाथ बांध दिए गए थे कि हमको किसी भी तरह का लाठी, किसी भी तरह का नुकसान किसानों को नहीं पहुंचाना क्योंकि देश की जो इमोशंस थे वो अन्नदाता के साथ थे। लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि सरकार लगातार किसानों के साथ वार्ता भी करती रही और उससे पहले की मैं 26 जनवरी से पहले की आपको बताऊं और कृषि कानून में कुछ संशोधन और 1.5 साल तक होल्ड करने का आश्वासन भी दे दिया लेकिन किसान नेता कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है देखिए, सरकार बीजेपी अब फ्रंट फुट पर गणतंत्र दिवस के बाद मौके पर जिस तरीके से हुआ फ्रंट फुट पर आ गई है, नियमों को ताक, मतलब क्योंकि कल नियमों को ताक पे रख दिया गया, जो तमाम बातें हुई, पुलिस गैरगेटिंग तोड़े गए, सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश कर लिया, इस घटना के बाद सरकार और बीजेपी नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका भी मिल गया। देखिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए, सरकार अभी तक दबी जुबान में कह रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों का किसान से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिटिकली लोग जुड़ गए हैं, चाहे उसमें अकाली से लेकर तमाम अगर मैं नाम लूं तो कम होंगे, इसके पीछे इनके राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है, देश का विकास में बाधा बना रहे हैं, प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं, ये तमाम चीजें दबी जुबान में कही जा रही थी। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद अब बीजेपी नेता खुलकर किसान आंदोलन की आलोचना करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता भी अब ये सोचने मजबूर हो गई है कि ये हो क्या रहा है, किसान आंदोलन के पीछे ये हो क्या रहा है, कौन है जो पुलिस पर, क्योंकि कल का ही दिन था जब हम लगातार तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली हिंसा में किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, पुलिस एफआईआर में कई किसान नेताओं के नाम भी आए हैं, योगेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज, सरवन सिंह पंथेर, सतनाम सिंह पन्नू, बलवीर सिंह राज्यवाल, दर्शनपाल गुरनाम चढ़ूनी के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। तो अब जिस तरह से कल तस्वीरें निकलकर राजधानी दिल्ली में सामने आई इसको लेकर सरकार और पुलिस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ चुकी है, एक्शन मूड में भी दिखाई दे रही है। पुलिस एफआईआर में कई किसान नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, योगेंद्र यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, सरवन सिंह पंधेर, सतनाम सिंह पन्नू, बलबीर सिंह राज्यवाल, ये तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली हिंसा में किसान नेताओं पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, योगेंद्र यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, सरवन सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, बलबीर सिंह राज्यवाल, दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अब जांच शुरू करी है।